हेलो हेलो। हेलो हाँ भाई, ये रेड टेक मॉडल बात कर लीजिए। भाई, शर्मा जी कैसे हो? जय ठीक हो सर? जय जोहार। बस जोहर भाई। और क्या सोच रहे हो? लड़ना चुका हूँ सर, लड़ना ही है। है। चलो ठीक है, मानसिक बना दिए तो लड़ना चाहते हैं। ठीक जी सर, जी है ठीक सर, जी है। सर। हेलो। हाँ भाई जी, आप फ्री हुए? अभी हाँ, फ्री हो गया कहाँ पर हैं आप जी? है कहीं पर हूँ तो भैया, मुलाकात कहाँ पे होगी, ये पूछ रहा था मैं। मेरे कहीं पर अभी पॉसिबल नहीं है को क्या है, अच्छा सुनिए ना, मैं जी। आपकी बात प्रदेश अध्यक्ष महोदय से करवाऊं? अभी हाँ, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए। ठीक ठीक है है, मैं तुरंत करवा रहा हूँ उनके पास पहुंच के, 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा जी। ठीक है। मैं उनके कार्यकाल में जिला अध्यक्ष। देखो, जी मैं आपको एक लाइन में बात समझा रहा हूँ यार। मैं आज भी कांग्रेस पार्टी में हूँ जी और मेरी इज्जत है। जी एक लाइन में मैं आपको बात समझा रहा हूँ। जिस पार्टी का आदमी, जिसका अध्यक्ष और संरक्षक 420 टिकट से हो, जी आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको उसमें भविष्य दिखता है? रही बात सर, ये अगर ये जो बोल रहे हो सर, माफ नहीं करिएगा, मेरा थिंकिंग अलग है, मेरे को उससे नहीं कोई मतलब नहीं है सर। ये उनका व्यक्तिगत जीवन पे आधारित जो प्रकरण है, नहीं जो भी है, व्यक्तिगत देखिए, राजनीति में कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं होती भैया। मेरे आप लिए कैसे, सर आप सर 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 मेरा हाँ बात बोले सुनिए। बोले बोले, हाँ मेरे बोले ना लिए बोले। मेरा सम्मान और मेरे को जो मान सम्मान दिया जाता है सर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। आप जोगी जी को कब से जानते हैं? आप सर जोगी जी को कब से जानते हैं ये बता दो, दो साल से सर, कितने साल से? अरे दो साल से सर। मैं उनके, वो जब सीएम थे ना, उनसे पहले वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, जी आपको याद है? पता नहीं आप उस समय जुड़े थे नहीं जुड़े थे, नहीं वो नहीं नहीं आप जुड़ा उस था समय सर, मुझसे दो नहीं साल रहे से होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, तब मैं उनके साथ था। तरुण देवांगन और यूथ कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हुआ करता था उनके समय। देखो जी गढ़वा जी, देखो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये आपकी मानसिकता और आपके विवेक के ऊपर भारत डिपेंड करता है। जी ठीक जी है, ये एक चीज अलग मैटर है, आपका सिद्धांत और ये आपका कोई उस पार्टी की कोई बायोलॉजी है ना कुछ है, जी वो खुद अपने आप को नहीं बता पा रहे हैं। तो वो अपने कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारी कैसे बताएंगे? नहीं सर मेरे पास है ही क्या, एक सिंगल बाइक बचा है सर, नहीं ले देखिए जाइए आप, मैं देखो, उसको। आपके चुनाव लड़ने से मुझे क्या होगा, मेरी पार्टी क्या होगा, 2-4-5 हजार वोट से लीड कम होगी, उससे जी ज्यादा कुछ होना नहीं है जी भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी कम से कम 20 हजार लीड से हो, तो वो आप लड़ोगे तो 18 हजार हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 20 से ऊपर हो, जी इसलिए आपको इतना फोन लगा रहा हूँ मैं आपको। हेलो, अरे सर देखिए देखिए मैं, आप रिटायरिंग भी कर रहे हो गए, तो आप अजीत जोगी या अमित, अभी जो अमित जेल में है, पूछ जी। लेना कि अरे सर वो सब मैं तरुण वैसा काम जवान करता भी नहीं सर, पहली सर कांग्रेस अध्यक्ष था तरुण, वो नाम लोगे ना, तरुण बोलोगे तो वो सामने बोलेंगे देवांगन। अरे मैं तो, वो जब सीएम थे तो मैं तो उनके साथ रहता था जी। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लोगे ना फेसबुक में, तो आपको सब पता लग जाएगा। देखो सर अरे शर्मा जी, सर मेरे उससे को आपका मेरे पूरा नाम भी नहीं मालूम, पर मेरे पास, मैं तो अभी रायपुर में बैठा हूँ, मेरे पास फोन आया। कहीं जी। तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? सर कोई लाइफ बर्बाद नहीं हो रही सर, मेरी लाइफ है ही क्या जो बर्बाद होगी सर। सर अरे यार, अभी आप आपकी उम्र क्या हुई है? एक हाँ सर सर एक बात बताइए सर, आज आप मेरे पास फोन क्यों करे सर? देखिए, आपके नहीं पास सर सिर्फ आप फोन करने प्लीज के सर सर मैं लिए, मेरे क्योंकि मेरे मैं 20 हजार की लीड से जितना चाहता जिताना चाहता हूँ उसको 18 हजार मत करो, हाँ बस इसलिए इसलिए ना फोन सर, लगाना। हाँ सर इसलिए ना सर। और उससे पहले कोई सुजीत कर्मा को जानता था क्या सर? है इससे पहले कोई सुजीत कर्मा को जानता था? कोई नहीं जानता था, आप सब हाँ जान वही तो गए। बात है ना, आप वही आओ ना, बात है सर। बताओ ना। जब सर
साहब मेरे को इतना शिखर तक पहुँचाए आप शर्मा जी देखिए आप देखिए आप उम्र में कच्चे हो जी जी आप मेरे साथ आओ आपको क्या चाहिए वो बताओ ना कौन सा पद चाहिए कौन सा क्या चाहिए मैं पदाधिकारी नहीं हूँ पद के लालच में कभी रहा भी नहीं सर मैं तो खुद किसी और टिकट के लिए यहाँ मांगने के लिए आया था कोई नहीं जानता था तो मैं बोला आपको फेमस होना है तो बहुत से तरीके हैं कर्मा जी बहुत से तरीके फेमस होने की अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई कुछ फेमस थोड़ी होता है जी जिंदगी बर्बाद के फेमस चार मोहल्ले के चार लोग आके बोल दिए कि कर्मा जी का घर जल रहा है दूसरे दिन भूल जाएंगे जी आप दूसरे घर जला फेमस होगा बस देखिए सर मेरी मेरी बात को आप समझिएगा ठीक है चलिए आप बोलिए अपने बात क्या है मैं खुद पहले किसी और के नाम के लिए प्रस्तावित दे के लिए आया ठीक है मैं किसी और का नाम आगे करने के लिए आया साहब ने को क्या अच्छा लगा क्या नहीं पता किसका नाम आगे करने के लिए लाया जिसका भी तो उसमें उसमें फिर साहब को क्या अच्छा लगा मुझ पे नहीं पता लेकिन साहब को इतना विश्वास है मेरे पे यार मैं आप मेरी बात रिकॉर्डिंग कर रहे भी हो गए ना तो जोगी जी को बता देना जी कि तरुण देवांगन फोन कर रहा था कोई देखो कोई आपकी कोई फेमस और कोई वाली बात नहीं है कर्मा जी क्या नाम लिखते हैं सुजीत भाई जी। कोई फेमस वाली कोई बात नहीं है सुजीत भाई आप ना साहब साहब से मनवा लीजिए मैं जब साहब एक बार में बोलेंगे मैं तुरंत जो यार बंदे से मैं क्या बात करूं जब वो कांग्रेस छोड़ रहे थे ना जी तो सबसे पहले विरोध करने वाला आदमी मैं था मैं तो बता रहा हूँ ना उस समय मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था जी जी मैं अभी अभी लाइन पे ले लूं पर वो सिस्टम अलग चीज है देखिए मैं देखिए क्या है कि मैं बत्तरी आदमी हूँ और मैं रायपुर में रहने वाला हूँ यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ इसलिए ये सब चीज बात आ रही है और कोई बात नहीं आ रही है आप जरा अपना भविष्य सोच के बोलिए देखिए आप बी टीवी लाइव मैं पैसे कॉन्ट्रेक्टर हूँ एकदम साफ बोल मैं पैसे कॉन्ट्रेक्टर हूँ आप चुनाव जीत रहे हो ये बता दो हाँ या ना बोल कोशिश करेंगे सर जीत के लिए हाँ या ना पूछ रहा हूँ कोशिश तो आप लाख कर रहे हो तो पीटी से निकाल रहे हो सर सर जो चीज भविष्य में होने वाली है उसका मैं अभी कैसे बता दूंगा मुझे भविष्य भविष्य ऐसा नहीं है ना भैया सुजीत जी भविष्य आपको तय करना पड़ता है मेहनत करनी आपको लगता है भविष्य है आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए आप किसी बहकावे मत आइए वेल एजुकेटेड हो आप भविष्य अपना खुद तय करोगे देखिए आप चुनाव लड़े आज जी ठीक 5 साल तो आप चुनाव हार जीत तो बाकी बात है आप 5 साल तक क्योंकि चुनाव तो हम जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीत रही है जी जी बधाई हो चुनाव चुनाव में आपकी हार होनी है फाइनल देखना जाएगा आप भी जानते हैं ये आप भी जानते हो उसके बाद आप सोचिए आप उसके बाद का भविष्य सोचिए आपकी ना कहीं नौकरी लगेगी क्योंकि आपके पे ठप्पा लग जाएगा बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियर है ठप्पा लगा देंगे ऑब्जेक्शन लगा देंगे नौकरी से गए राजनीतिक पद से गए आप थोड़ा सा दिमाग से लगाइए आप इसको वेल एजुकेटेड आ जाओ जरूरी थोड़ी ना सर ऐसी तो मोदी जी पूरा प्राइवेट कर रहे हैं नौकरी की किसकी जरूरत है सर हम ऐसी भी कमा लेंगे मोदी जी तो ऐसी सब प्राइवेट कर रहे हैं सर नौकरी मिलने तो रहा है नहीं रही बात कमा धमा के खा लेंगे सर कुछ ना कुछ अरे यार पूरे देश में आर्थिक मंदी है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है मोदी का छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है आप क्या सोच रहे हो कोई भी कस्टम खा के देख लो आटो देख लो फाइनेंस देख लो छत्तीसगढ़ पे ग्रोथ है वो भी 32% का सर आपकी बातों का सम्मान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं हाँ सर मैं बोल रहा हूँ सर मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी बातों का सम्मान भी कर रहा हूँ आपकी बातों को ग्रहण भी कर रहा हूँ और दिमाग में बैठा भी लिया
लेकिन मेरी बातों को आप नहीं समझ रहे ना सर। आप बोलिए ना, आप बात बोलिए ना मैडम। ठीक है, मतलब जो मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं उनको धोखा कभी नहीं दूंगा, पहली बात। ठीक, और रही बात दूसरी बात, सुनिए तो सर, प्लीज सर सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, मैं इससे पहले तो परिवार में ही था, ठीक है, घर में ही था, मुझे तो हाथ फैला के मांगना पड़ता था सर, घूमना पड़ता था कुत्तों की तरह पीछे पीछे, नहीं चाचा न चाचा कब मिलोगे, चाचा बुआ, ये बोल बोल के घूमना पड़ता था। अब मैं इतना जलील होने के बाद अगर ना ये ऐसा हरकत करूँ ना भैया, तो आप ठीक है चलो, आपके परिवार में थे भाई, आपको परिवार वालों ने सोचा था इंजीनियर बनाने, सोचा था नहीं करना था, तभी तो आप इंजीनियर बने थे। कौन किया सर? देखिए यार, नहीं नहीं पूछिए पूछिए, नहीं 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 मैं मेरी बात, मैंने जब मेरे पास सर पढ़ाई इंजीनियरिंग के लिए फीस भी नहीं हो रही थी ना सर, मैं बुआ के पास गया था, तो बुआ ने मेरे सर सुनिए तो, मेरे बुआ ने मेरे को जलील करके निकलवाया था, पता है क्या बोल के, ऐसे ही अगर हम पैसे बांटने लगे ना तो मुफ्त के नहीं मिलते पैसे। वो खुद विधवा औरत परेशान है, आप उससे मदद मांगने गए हो, आपने क्या मदद किया मेरे को ये बताइए, आपने कभी मदद किया किस चीज के लिए? किसी भी चीज में कर्मा परिवार का कर्मा जी के देहांत के बाद आपने कोई चीज मदद किया? आपने कभी जाके पूछा नहीं होगा अपनी बुआ से? पूछ लीजिए सर, एक बार पूछ लीजिएगा सर, फिर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे सब मालूम है सर, अगर 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 उनका ये कहना तो फिर अच्छी बात है सर, ये मैटर यही खत्म होता है ना, मैं उनका परिवार का हूँ ना, मैं जान पहचान का ना कुछ चीज का, परिवार वाली बात नहीं है। देखिए आपको चुनाव लड़ना है तो आपको फोन रोका कौन है? जी जी मैं देखिए आपकी बुआ का ये आदेश था कि एक बार बात कर लीजिए। बुआ के पास तो मैं खुद गया था सर, जब एडमिट थे, पूछिएगा उनको। मेरी देखिए बहुत, मेरा हम चाहते हैं कि कोई भी कर्मा परिवार का सदस्य परेशान मत रहे, क्योंकि जो अभी जो आज का कांग्रेस हमारी छत्तीसगढ़ में है ना, उससे उन्हीं की देन है, उनकी शहादत की देन है जी। आप उस शहादत पे धब्बा लगा रहे हो, बाकी आप समझदार हो, आपको लगता है कि जेसीसी जो भी कांग्रेस में भविष्य है, तो इसके लिए तो आपको कोई रोका नहीं है ना भाई, आपको संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। जी 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 पर आप एक चीज ये सोचिए कि आपका भविष्य क्या है जी, क्या नहीं है, आपको लगता है उसमें तो आपका भविष्य है जी, आप उसमें भविष्य में आगे बढ़ सकते हो, जिसमें जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो उसका अध्यक्ष और संरक्षक खुद 420 में अंदर है, जिसकी उम्र 2-4 साल 5 साल है जोगी जी की, और उस अमित जोगी की तो मेरे को मालूम है ना, वो गंडेड़ी की है, मेरे को मालूम है सर, उससे मेरे को मतलब नहीं है सर, सुनिए उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो आप 95 से जुड़ा हूँ जब वो प्रवक्ता थे सर, माफ करिएगा सर, मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं है सर, उनके व्यक्तिगत जीवन से मेरे को कोई मतलब भी नहीं है, कौन क्या था सर, आप कैसे व्यक्तिगत बोल रहे हो, राजनीति टोटल व्यक्तिगत है, आप कुछ कांड करो चाहे भूपेश बघेल कोई कांड करे, वो कैसे व्यक्ति कांड करे वो का छोड़ देंगे उसका व्यक्तिगत मामला, मतलब बाकी कांग्रेस में बाकी सब शरीफ है सर, बाकी कांग्रेस में सब शरीफ है, चाहे रमन सी, देखो रमन, देखो मैं बोल रहा हूँ भैया, वो मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, आप रमन सिंह का उदाहरण देख लो, जो चीज जो कर्म है वो सब निकलना है भैया। देखिए क्या है, जिस नाव पे छेद होती है ना उस नाव पे कोई सवार नहीं होता, और आप उसमें बिल्कुल मैं सर जिस थाली में खाता सर उसमें कभी छेद नहीं करता हूँ सर, माफ करिएगा, मैं जिस थाली में खाता सर उस थाली कभी छेद नहीं करता हूँ सर। अरे वो ऑलरेडी पहले छेद है, आपको छेद करने की जरूरत नहीं, पहले पुराने वाले छेद कर दिए है। चलिए ठीक है सर, आपकी बातों को भी मानता हूँ, वो तो हम लोग छेद करके निकलते हैं, कहाँ हुआ आप छेद करने के लिए जगह ही नहीं बैठे, कहाँ हुआ छेद करूँगा, बचने का तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, आप उससे पीछे हट रहे हो। अरे सर आप देखिए सर, सर 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 मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं अपने कमिटमेंट से, मैं अपने
मुझे कमिटमेंट वो लाइफ में कमिटमेंट, सही कमिटमेंट जो हो ना अपने भविष्य को सोच के वही काम आता है। मैं आपसे बहुत उम्र में बड़ा हूँ कर्मा जी, नहीं नहीं सर, मेरी सलाह यही है अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जी जी, लाइफ को बर्बाद मत करो जी जी। इसके बाद देखो मैं आपसे ना इलेक्शन के एक महीने बाद बात करूंगा। हाँ ठीक है सर, एकदम स्वागत है सर। आप सर मेरे को मालूम है अगर आप चुनाव लड़ते हो तो। नहीं नहीं सर, आप ना थोड़ा सा विचार कर लो। नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है सर, मैं आज रात के विचार टाइम है, परिवार वाले से सब से आप चर्चा कर लो, बात कर लो। क्या है खून आपकी उम्र में खून गर्म होता है, बहुत लेट समझ आता है, वक्त गुजरने के बाद समझ आता है। हम आप लोग से क्या बड़े हैं, हम लोग एक चीज देखते हैं जी। या एक मैं आपको एकदम सीधा फंडा बताता हूँ, ठीक है। जिस पार्टी का आदमी 420 में संरक्षक से लेकर अध्यक्ष है सर, वैसे तो वैसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी वैसी है सर। मैं क्या बोलूं, फॉर्म तो गई थी ना जेसीसी के, बी फॉर्म प्रदेश अध्यक्ष दिया होगा जब अधिकृत प्रत्याशी हुए। आप सोचो एक 420 आदमी के दस्तक के आप चुनाव लड़ रहे हो, क्यों आपका भविष्य तय कर सकता है? आप एक सिविल इंजीनियर हो सर, माइनिंग है सर, माइनिंग निश्चित। अरे वो तो एथोराइज कर देते हैं, मगर जो है भाई अध्यक्ष का ही एथोराइजेशन होगा, क्योंकि उसको मालूम है वो चल के जाने वाला है तो वो अपना चार्ज दे के चला गया। यार इतना भी तुम वो सिविल इंजीनियर हो कैसे बात करते हो सर, माइनिंग बोलते हैं। अरे वो तो जो नहीं रहता वो शर्मा जी आपके पीछे खड़े होंगे क्या? आप अभी फोन लगा लेना मेरा फोन काटने के बाद। ठीक है सर, दिमाग से सोचिए, मेरा ये नंबर है। मैं आपको कर्मा जी मैं आपको ना एक ही लाइन पे बोलूंगा जी, मेरे से आप जुड़ो, कांग्रेस पार्टी में आके ज्वाइन करो, ये कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। आप अपना भविष्य देख लो, इतना आप अपना घर का पैसा या अपनी खुद के मेहनत का पैसा से इंजीनियरिंग बन किए हो और जिंदगी भर उस चीज ये चुनाव लड़के उस चीज को वापस भोगने का काम मत करो। चाहे आप नौकरी करना चाहते हो नौकरी कर, देखो चुनाव आप लड़ोगे हार गए आपको लाइफ टाइम नौकरी नहीं मिलेगी, 5 साल ही हो गई, आने वाले 10 साल तक हम और हैं, तब तक एकदम साफ बात है क्योंकि मैं मेरे नंबर से आगे आए। देखिए 10 साल तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी, उम्र खत्म, क्या करेंगे आप? क्या सर उसका मेरे जैसे ठेकेदार के नौकरी करेंगे 10,000-15,000 में? सर उसका दिक्कत ही नहीं है सर, हाथ पैर दिए हैं भगवान ने। अरे मेरे मालिक आप इसकी तकलीफ में पड़े हो, आपको कोई मदद नहीं किया बोल रहे सर। तो सर जब आपको सब चीज आपको पता है ही कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, कैसे संघर्ष किया, तो उसके बाद भी चाह रहे हो कि मैं उसी जगह जाऊं जहां पर मैंने पहले हाथ फैलाया था, इतना बेशर्म नहीं हो सर मैं? देखिए यार बेशर्मी वाली बात नहीं है ना, ये कोई हाथ फैलाने वाली बात नहीं है। आपने काबिलियत था, आपने इंजीनियर बन लिया, आपकी काबिलियत आपने इंजीनियर बना है, आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही होगा, सही आप इंजीनियर बने। तो ये चीज कोई मदद नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ। अरे सामने वाले का भी कंडीशन होता है ना भाई। ठीक है सर, ठीक है, आप देखो आप मेरे, मैं देखो मैं आपसे बड़े होने के नाते मैं आपको समझाने की कोशिश किया, बात भी आपके ऊपर है। ठीक है सर, ठीक, देखो आप एकदम बिल्कुल कुएं पे खड़े हो गए, खड़े बोलो ना मेरे सुसाइड करना है जिसको अपन क्या रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको पकड़ने जाएंगे तो कूद जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा हमको काम, और हम कुएं में नहीं कूद सकते, निशान ले लिया आपको। ठीक है, बाद में आप बोलोगे कि भैया मैं कुआं में कूद गया, मरा नहीं, आप मेरे निकाल दो ये नहीं हो सकता ना, इसलिए मुंडेर के हो समझ जाओ। ठीक है सर, ओके, मैं मतलब मैं आपको बहुत सही सलाह दे रहा हूँ, कोई राजनीतिक सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिक्स बात किया जी सर, जी सर, ठीक है ना, मैं बोला आपको कांग्रेस ज्वाइन करो ना बीजेपी ज्वाइन करो कोई मतलब नहीं, पर आप समझ जाओ जी ये आपके आप खत्म करो ना, कल विड्रॉल करो, नौकरी करो। नहीं सर बिल्कुल नहीं, विड्रॉल करने की बात ही नहीं आएगी। हम मैं बोल दूंगा कांग्रेस पार्टी में, भाई ये आदमी विड्रॉल किया था,
नहीं नहीं सर, इसको हमको कहीं ना कहीं सेट करना है। नहीं सर मैं बोल दूंगा, नहीं सर नहीं, मुझे करना ही नहीं, करनी नहीं है। चलो आप सुसाइड करना ही है तो फिर क्या दिक्कत क्या है? सम्मानजनक सुसाइड करूंगा सर, करना है तो। चलो ठीक है, सम्मानजनक सुसाइड नहीं होता यार, सुसाइड हो जाएगा, होता है सर। किसी के सामने झुकना से अच्छा सर, किसी के सामने गिराने से। सामने आप झुक रहे हो, परिवार के सामने झुक रहे हो ना आप, परिवार के सामने झुकने से छोड़ के बैरों के सामने झुकना ज्यादा पसंद कर रहे हो। सर सर आप थोड़ी देर पहले तो आपको आपने सत्यापित किया, परिवार साथ आता है शर्मा जी, परिवार साथ आता है। सर आपने थोड़ी देर पहले बैर कोई नहीं आएगा, तुम सुसाइड कर लोगे अभी, जो भी कभी पूछने नहीं आएगा। नहीं आएंगे साहब पूछने के लिए, कोई 27 तारीख के बाद फोन करवा है कोई पूछने नहीं आएगा। चलेगा सर, परिवार वाले ही आएंगे। अरे चलेगा सर, नहीं पूछने आएंगे साहब भी, चलेगा सर। मतलब कुछ दिनों के लिए मेरे को जो खुशी दे रहे हैं, मैं उस दिनों के लिए खुशी के लिए भी संतुष्ट हूँ। चल ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी किसने दी और किस प्रकार की धमकी आपको मिली है? मुझ पर दबाव धमकी तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरे पास जो सबूत है उस आधार पर मैं साफ ही बता सकता हूँ कि अर्शिल कुरैशी ग्रुप द्वारा कुछ कुछ ऑफर दिए गए। किस तरीके का ऑफर था? सम्मानजनक पद, टिकट या राशि, या तो तीनों, जो मैं चाहूँ उनका कहने अनुसार जो मैं चाहूँ वो मुझे सब सुविधाएं देंगे। और इसके पश्चात उन्होंने मेरा बात करवाया श्री मोहन मंगल जी के द्वारा। इसमें उन्होंने कहा कि हमने कुछ कहा था आपसे, क्या सोचा? तब मैंने जवाब में कहा कि सर लड़ना है लड़ूंगा, तो ठीक है देख लीजिए, ये कहकर मोहन मकान के लिए फोन काटा। कोई पैसे का या उस तरीके से कोई ऑफर? जी जी सब आए थे सर, सब आए थे। मोहन मरकाम जी ने पैसे का ऑफर दिया? नहीं, क्या उनके आदमी ने पैसे से करने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे? डर है कि दहशत है कि क्या? नहीं सर, डर तो नहीं है, ना किसी प्रकार का दहशत है। युवा हूँ, युवा जोश है और एक कुछ करने की इच्छा है। बस एक साफ मन के साथ मैं उतरा हूँ कि अगर मैं या मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है तो ये पूरा भारत देखेगा कि छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले में जहाँ पर लोग इसको पिछड़ा और दहशत के रूप में जानते हैं उसका विकास किस